समय हूँ, मौन रहता हूँ परंतु अविरल हूँ, गतिमान हूँ, सर्वशक्तिमान हूँ, युगों युगों से चल रहा हूँ, साक्ष्य हूँ हर गाथा का, हर महागाथा का, कल आज कल इन सब का संबंध मुझसे था, है और रहेगा। इनमें एक संबंध है महापर्व दीपावली का। क्यों मनाया जाता है ये पर्व, इस क्यों का उत्तर भी मैं हूँ। आज मैं आपको रामायण महागाथा का अवलोकन करवाने जा रहा हूँ। समय चक्र को त्रेता युग की ओर ले जा रहा हूँ। यहाँ आप मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन आदर्शों का महत्व समझेंगे। ये कथा है रामायण की, सत्य और असत्य के महायुद्ध की, दीपावली के महापर्व की, रघुकुल भूषण श्री राम। रामायण अर्थात श्री राम प्रभु की जीवन गाथा आदि कवि महर्षि वाल्मीकि द्वारा संस्कृत में लिखा गया अनुपम महाकाव्य, जिसका मूल उद्देश्य है सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझना व उसे सजीव साकार रूप में जीवन में अपनाना। तो आइए महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण महाकाव्य की अनुपम गाथा लवकुश की मधुर वाणी में सुनते हैं। राजा थे किंतु उनकी कोई संतान नहीं थी। यही दुख उन्हें भीतर ही भीतर खाए जा रहा था। ऋषि श्रृंग के परामर्श पर गुरु वशिष्ठ की अध्यक्षता में पुत्रेष्टि यज्ञ संपन्न करवाया गया। भरा विश्वास भरा दशरथ के हाथ में खीर का प्याला, भाग महाराजा ने महारानी के हाथ में डाला। सरा भाग दिया कई कई को, मानो भाग बदलने वाला। कौशल्या कई कई ने सुमित्रा के नाम का एक एक भाग निकाला। कौशल्या कई सुमित्रा के नाम का एक एक भाग निकाला। माता कौशल्या के घर पुत्र रत्न का जन्म हुआ। महर्षि वशिष्ठ ने कौशल्या पुत्र का नाम रखा गया श्री राम। रानी कैकेयी के पुत्र का नाम रखा गया भरत और सुमित्रा नंदनों को कहा गया लक्ष्मण व शत्रुघ्न। अवध में बच्चिया प्रकट भई चारों भैया।
जगत के पालनहार का पालन करते हुए माता कौशल्या का वात्सल्य प्रेम देखते ही बनता है। माताओं व पिता के सानिध्य और वात्सल्य को त्याग कर चारों बालक शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जाते हैं। सानिध्य में रहते हुए चारों बालक अस्त्र शस्त्र प्रयोग व आध्यात्मिक विद्या में पारंगत हो गए। मिथिला नगरी अकाल की भीषणता का प्रकोप झेल रही थी। मिथिला नरेश जनक इंद्रदेव की अनुकंपा पाने हेतु भूमि शोधन करने के लिए सूखी भूमि पर हल चला रहे थे कि तभी हल का अग्रभाग किसी वस्तु से टकराया। धरती को खोदकर देखा गया तो एक कलश के भीतर रूपवती अद्भुत कन्या देखकर राजा जनक चौंक गए। जय हो जय हो, यह है राजा जनक की जानकी विलक्षण कन्या सीता, लक्ष्मी स्वरूपा सीता। तभी वर्षा का आगमन होता है और संपूर्ण मिथिला नगरी झूम उठती है। ऋषि के शाप से ग्रस्त अहिल्या का उद्धार करने के बाद श्री राम ऋषि विश्वामित्र व लक्ष्मण के साथ सीता स्वयंवर हेतु रखे गए शिव धनुष के दर्शन करने मिथिला नगरी की ओर प्रस्थान करते हैं। अनेक राजकुमारों क्या इस भरी सभा में ऐसा कोई क्षत्रिय नहीं है जो इस धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ा सके? पुत्र राम, उठो और धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाओ। जो आ गया गुरुदेव। इस प्रकार श्री राम स्वयंवर में विजय प्राप्त कर सीता का वरण करते हैं। मंत्री परिषद की उपस्थिति में राजा दशरथ ने श्री राम को युवराज पद देने की घोषणा की। तुमुल ध्वनि से सभा के सभी सदस्यों ने इस प्रस्ताव का समर्थन व स्वागत किया। राम राज्याभिषेक की तैयारियां होते देख कैकेयी दासी मंथरा ने उसके कान भर दिए।
रानी रानी केकई, मूर्ख रानी केकई। क्या बात है मंथरा? कुछ सुना तुमने? पूरी अयोध्या नगरी में राम की राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही हैं। हाँ, मेरा पुत्र राम राजसिंहासन पर बैठेगा। अरे नहीं, सोचो कुछ सोचो मूर्ख रानी केकई। क्या तुम्हें लगता नहीं ये तुम्हारे और भरत के विरुद्ध षड्यंत्र है? अरे सोचो, दिमाग लगाओ कुछ। केकई क्रोधवश कोप भवन में चली जाती है और राजा दशरथ से अपने दो वरदान मांगती है। कुछ कहो महारानी, क्या हैं आपके दो वरदान? महाराज, मेरा यह वरदान कहता है कि अयोध्या का राज मेरे पुत्र भरत को मिले, राम को नहीं। क्या, भरत को राज? हाँ महाराज, मेरे पुत्र भरत को, और राम को 14 वर्ष का वनवास। क्या, राम को वनवास? हाँ महाराज, 14 वर्ष तक राम तपस्वी की तरह मुनि भेष में रहे और उनका किसी भी नगर में जाना वर्जित हो। अत्यंत दयनीय व निराशाजनक स्थिति में अपने पिता राजा दशरथ को देखकर श्री राम सारी स्थिति से अवगत होते हैं और कहते हैं, रघुकुल रेत सदा चले आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। जिस प्रकार मेरे लिए राजमहल के सुख हैं, उसी प्रकार ये मेरे लिए वन्य जीवन भी होगा। रानी केकई की मुंह लगी दासी मंथरा वलकल वस्त्र लाकर रानी केकई को देती है। रानी केकई उसे श्री राम, लक्ष्मण और सीता को धारण करने के लिए देती है। श्री राम, लक्ष्मण व सीता वलकल वस्त्र धारण कर पीड़ा से आहत दशरथ की आज्ञा लेकर वन के लिए प्रस्थान करते हैं। प्रसन्न चित्त केकई और मंथरा पर दशरथ की असहाय स्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। राम, राम, राम। ननिहाल से लौटकर जब भरत को पिता की मृत्यु और भैया राम के वन गमन का समाचार प्राप्त होता है, तो वे उन्हें लेने माताओं सहित चित्रकूट पर्वत पर जाते, किंतु पिता का वचन निभाए बिना राम वापस लौटने से मना कर देते हैं और भरत उनकी चरण पादुकाएं लेकर पुनः अयोध्या लौटते हैं। वन मार्ग में वे सुतीक्ष्ण ऋषि शरभंग ऋषि से मिलता अनुसूया पुत्री स्वरूपा सीता को आशीर्वाद के रूप में दिव्य वस्त्र और आभूषण प्रदान करती हैं। पंचवटी में सीता कुछ घरेलू कार्यों में व्यस्त हैं, श्री राम ध्यानमग्न हैं और लक्ष्मण लकड़ियां इकट्ठी कर रहे हैं। शूर्पणखा सुंदर स्त्री का रूप धारण करके विवाह का प्रस्ताव लेकर पहले श्री राम के पास फिर लक्ष्मण के पास जाती है। राक्षसी शूर्पणखा रोती चिल्लाती अपने भाई रावण की सभा में पहुंचती है और अपनी दुर्दशा का प्रतिशोध लेने हेतु उसे शाद्वीपीय ब्राह्मण पुलस्त्य ऋषि का पौत्र केकसी का पुत्र रावण, जो कि एक परम शिव भक्त उद्भट राजनीतिज्ञ महाप्राक्रमी योद्धा अत्यंत बलशाली शास्त्रों का प्रखर ज्ञाता प्रकांड विद्वान पंडित एवं महाज्ञानी है, उसके शासन काल में लंका का वैभव अपनी परम सीमा पर है। क्या उस रावण की बहन दो मानवों के अपमान का पात्र बनकर रह जाएगी? मेरा अपराध केवल इतना था कि उनके साथ रह रही अत्यंत रूपवती स्त्री को मैं आपको भेंट करना चाहती थी, किंतु उन्होंने मेरा ये हाल कर दिया। मारीच स्वर्ण हिरण का रूप धारण कर पंचवटी में कुटिया के आसपास कुलांचे भरने लगता है।
सीता के आग्रह पर श्री राम हिरण को पकड़ने उसके पीछे जाते हैं। माता सीता की सुरक्षा में सावधान लक्ष्मण व देवी सीता श्री राम की पीड़ा से भरी ध्वनि माता सीता की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु लक्ष्मण कुटिया के द्वार पर तीर से एक रेखा खींचते हैं व सीता से उसके भीतर रहने का आग्रह करते हैं। यही रेखा लक्ष्मण रेखा के नाम से प्रसिद्ध है, जो संपूर्ण मानवता को मर्यादा की सीमा रेखा पार ना करने की प्रेरणा देती है। साधु भेष में रावण पंचवटी में पेड़ के पीछे छिपा है। साधु भेष में रावण का आगमन होता है। मुनिराज, मैं आपके लिए भोजन लाई हूँ। ले आओ देवी। कृपया आप ही को यहाँ आना होगा, मैं इस सीमा से बाहर नहीं आ सकती, आप ही को कष्ट करना होगा। श्राप देते हैं कि वही सुवर्ण मृग अपने तीखे सिंगों द्वारा तुम्हारे पति को। नहीं नहीं, अब मुझे श्राप मत दीजिए, मैं वही आती हूँ। सीता की खोज में निकले प्रभु श्री राम माता शबरी के आश्रम में पहुंचते हैं। माता शबरी अश्रुपूर्ण नेत्रों से उनका स्वागत करती है और अपने चखे जूठे बेर उन्हें सप्रेम खिलाती है। शबरी श्री राम को ऋष्यमुख पर्वत पर जाकर सुग्रीव से मिलने की सलाह देती हैं। कहते हैं यदि कलयुग में कोई ईश्वर इस धरती पर है तो वे केवल परम राम भक्त श्री हनुमान ही हैं। उनका नाम लेते ही सारे दुख दूर हो जाते हैं और सभी बुरी शक्तियां दूर भाग जाती हैं। वानर राज केसरी व माता अंजना की संतान भक्त शिरोमणि हनुमान, केसरी नंदन, आंजनेय, पवन पुत्र आदि नामों से विश्व विख्यात हैं। माता सीता की खोज में निकले श्री राम लक्ष्मण का उनसे प्रथम परिचय ऋष्यमुख पर्वत के पास हुआ था। हनुमान जी राम के अनन्य मित्र, सहायक और भक्त सिद्ध हुए। सीता की खोज के लिए ये समुद्र को पार कर लंका पहुंचे। हनुमंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाई, तब लगी मोहि पर खेहु तुम भाई, जब लगी आवो। और उन्हें राम नाम लिखी अंगूठी भेंट की। सीता ने भी हनुमान को अपना चूड़ामणि देकर अति शीघ्र श्री राम प्रभु से उन्हें रावण के चंगुल से छुड़ाने की प्रार्थना की। अशोक वाटिका की कष्टप्रद यातना से सीता को मुक्ति प्रहरी राक्षसी त्रिजटा दिलाती थी। सीता ने हनुमान से उनका परिचय करवाया और उन्हें अपनी माता समान बताया। नल नील व अन्य वानरों के सहयोग और श्री राम प्रभु के आशीर्वाद से समुद्र पर सेतु बांधने का कार्य संपन्न हुआ। समुद्र पर सेतु बांधकर श्री राम की पूरी वानर सेना लंका की ओर आरोहण करने लगी। श्री राम रावण का भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ। इस महायुद्ध में रावण के पुत्र प्रहस्त
नरांतक, महोदर, विरूपाक्ष, भीकम, अतिक्य, त्रिशिरार, मेघनाद और भाई कुंभकर्ण मारे गए। अपने कुल का अंत होता देख रावण को इस बात का आभास हो गया कि वह किसी साधारण मानव से नहीं अपितु त्रिलोक के स्वामी श्री राम से युद्ध कर रहा है, इसलिए उसकी पराजय निश्चित है। इस प्रकार श्री राम का बाण रावण की नाभि में लगने पर श्री राम नाम जाप करता रावण धरती पर गिरकर धाराशायी हो गया और उसका नाश यह संदेश दे गया कि बुराई, असत्य और अधर्म चाहे कितने ही शक्तिशाली क्यों ना हो, एक ना एक दिन अच्छाई, सत्य और धर्म उन पर विजय प्राप्त कर ही लेते हैं। राम राम राम, जय श्री राम, जय श्री राम। 14 वर्ष के वनवास काल के बाद कार्तिक अमावस्या के दिन भगवान श्री राम अयोध्या लौटे। अमावस्या की रात्रि अंधेरी होने के कारण सारे नगर को जलते दीपकों से सजाकर प्रकाशित किया गया। वस्त्रों में सजे धजे सभी पुरुष, बच्चे और महिलाएं मिठाइयां बांटकर उत्सव मनाने लगे। वातावरण में श्री राम व सीता अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान हुए और संपूर्ण विश्व का लोक कल्याण करते हुए धर्म का आचरण करने की संपूर्ण सृष्टि को सीख दी। खट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से, बहुत खुश हैं मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं।